दोस्तों मैं पहुंच गया रिलबॉम। दोस्तों मैं तो पहुंच गया एक्चुअली यहाँ पे ही है तो कॉल कर लेता हूँ। दोस्तों सामान उन्होंने उतार दिया, देखिए गाड़ी हो गया खाली। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो दोस्तों टाइम हो रहा है 2, तो गाड़ी मैंने पहले ही निकाल दिया था, वहाँ पे मैंने रख दिया था वो जेसीबी के पीछे। सो अभी मैं जा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जल्दी जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसी वजह से दोस्तों थोड़ा देरी से जा रहा हूँ। आज तो थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा ही देरी से जा रहा हूँ। तो जा रहा हूँ डायरेक्ट अभी स्टैंड पे दोस्तों, पुलिस बाजार जाऊँगा डायरेक्ट अभी स्टैंड पे, जाके देखता हूँ आज कुछ काम वगैरह होता है कि नहीं, क्योंकि वैसे तो काम तो मिलता ही नहीं, तो आज क्या होता है देखते हैं, इसलिए थोड़ा देरी से निकल रहा हूँ। तो चले दोस्तों मिलते हैं डायरेक्ट जाके जीएस रोड। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गया, आधा घंटा लग गया आने में, टाइम हो रहा 2:30 दोस्तों, 32। सो बैठता हूँ, लगाता हूँ गाड़ी जाके स्टैंड पे और देखता हूँ कुछ होता हो पाता है कि नहीं आज, क्योंकि बात यह है दोस्तों सुबह से मैं घर में ही था लेकिन कोई कॉल तो आया नहीं है। लेकिन दोस्तों पहले आता था, काम में है, कुछ काम भी अगर घर में मेरा होता था, अभी तो कुछ काम नहीं है, वैसे मैं बैठा हुआ था घर में क्योंकि काम तो नहीं था, लेकिन तब भी कोई कॉल नहीं आया दोस्तों, एक भी कॉल नहीं आया। तो करते हैं दोस्तों वेट, देखते हैं आज कुछ हो पाता है कि नहीं, वैसे भी तो मैं देरी से आया हूँ, 2:30 तो बज चुका है ऑलरेडी, तो वेट तो अभी करना ही पड़ेगा, देखते हैं आज कुछ मिलता है कि नहीं। तो करते हैं दोस्तों वेट, मिलते हैं काम आने का सर। सो दोस्तों फाइनली आधा घंटा रुकने के बाद में एमबी फर्नीचर से जस्ट अभी कॉल आया है, सामान लेके जाना डाल के मैं दिखाता हूँ, एक ड्रेसिंग टेबल है दोस्तों डालना है। तो दोस्तों देखिए यही है तो ड्रेसिंग टेबल, तो चले दोस्तों निकलते हैं, एक्चुअली जाना है 4th माइल शर्मा। तो दोस्तों मैं पहुंच गया रिलबॉम, थोड़ा बहुत ट्रैफिक जाम मिल गया एक्चुअली 3rd माइल का पॉइंट से, तो थोड़ा थोड़ा मतलब धीरे धीरे जाना पड़ रहा है क्योंकि सामने में गाड़ी एकदम लाइन से चल रहा है, तो वही थोड़ा टाइम तो यहाँ पे लगेगा क्योंकि 3rd माइल क्रॉस करने के बाद में आगे में जाके फिर 4th माइल है दोस्तों, वही बात है। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों मैं तो पहुंच गया एक्चुअली
यहाँ पे ही है, तो कॉल कर लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये जो रास्ता जा रहा है अंदर में, ये तो मेन रोड है दोस्तों जहाँ पे मैं अभी रुका हूँ, लेकिन मेरा राइट हैंड साइड में अभी एक रास्ता जा रहा है जो उन्होंने एड्रेस तो यहाँ का ही दिया था दोस्तों, तो जा रहा हूँ अभी अंदर में। तो अंदर जाने का पहले मैं कॉल कर लेता हूँ, वही अच्छा होगा दोस्तों, कि नंबर तो है मेरे पास, वही कॉल करके मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरा बात हो चुका है, तो कॉन्ग ने बोला है कि वो गेट पे रुके हुए हैं, तो चले दोस्तों जाते हैं दूसरे राइट हैंड साइड में, आगे जाके देखते हैं कहाँ पे है घर, क्योंकि थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ेगा उन्होंने बोला है कि, तो ऊपर जाना ही पड़ेगा। चले चलते हैं दोस्तों। सो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया, मैंने गाड़ी यहाँ पे रख दिया है, देखिए। सो यही है घर दोस्तों, देखिए बहुत ही सुंदर है घर का जो डिज़ाइन है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया उन्होंने। तो चलो दोस्तों फटाफट सामान उतार लेते हैं और उतर के और क्या करना, निकल रही है तो करते हैं वेट, सामान उतर के निकलते हैं। सो दोस्तों सामान उन्होंने उतार दिया, देखिए गाड़ी हो गया खाली, का आदमी था तो मुझे पकड़ना नहीं पड़ा दोस्तों, कई आदमी है, दो आदमी आए तो लेके चले गए दोस्तों। तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लेता हूँ, थोड़ा रखने दीजिए उनको सामान, फिर आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लेके फिर निकल जाऊँगा दोस्तों। काम तो ख़त्म, पहला काम और आखिरी होगा शायद, मुझे जितना लग रहा है, तो क्या होता है देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं उनका आने के बाद में, डायरेक्ट निकल जाऊँगा दोस्तों यहाँ से। तो दोस्तों मैं निकल गया उनका घर से और टाइम हो रहा है दोस्तों 3:45। सो अभी डायरेक्ट जाऊंगा स्टैंड पे दोस्तों। सो बात ये जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि एक्चुअली जाने का टाइम थोड़ा ट्रैफिक जाम मिलेगा रिलबोंग का पहले से ही, क्योंकि आने का टाइम कोई भी ट्रैफिक जाम नहीं मिला था, आप लोगों ने देखा है वीडियो में, लेकिन जाने का टाइम में मिलेगा दोस्तों, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है, थर्ड माइल पॉइंट में थोड़ा मिलेगा और एक्चुअली वहाँ पे मिलेगा थोड़ा। सो अभी जो मैं जा रहा हूँ मेरा गाड़ी स्टार्ट पे नहीं है, क्योंकि डाउन है दोस्तों, थोड़ा डाउन चढ़ के फिर स्टार्ट करूँगा, डाउन से आराम से जा रहा है गाड़ी, उसको डिस्टर्ब करके फ़ायदा नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों कितना टाइम लगता है पोस्टिंग के लिए स्टार्ट करता है। सोच रहा दोस्तों पहला काम तो मिल चुका है आज का, लेकिन वही बात है कि सेकंड काम मिलेगा कि नहीं, क्योंकि रोज़ तो एक ही काम मिलता है, वही बात है दोस्तों, एक काम क्या होता है। चलिए चलते हैं डायरेक्ट अब स्टैंड पे दोस्तों। A little longer than a few minutes later. तो दोस्तों मैं डायरेक्ट चला गया था जीएस रोड। सो जीएस रोड में बैठा दोस्तों, बैठते बैठते मैं थक गया, मैं अभी चलाया ऑकलैंड में दोस्तों, तो अभी बैठूंगा यहाँ पे ही। वैसे तो मैं 9 बजे तक बैठने वाला हूँ नहीं, क्योंकि आजकल 9 बजे तक बैठ के कोई फ़ायदा नहीं होता है दोस्तों, तो हो सके तो 8:30 बजे चला जाऊँगा, अगर कोई काम नहीं मिला, अगर काम मिला तो यहाँ से ही जाऊँगा दोस्तों। देखिए अभी तक एक भी कॉल नहीं आया और मैं जीएस रोड में बैठा हुआ था, तो कोई बुलावा भी नहीं आया, कोई दुकान में कस्टमर ही नहीं है, तो क्या बुलावा कहाँ से। अगर कोई दुकान में सेल होगा दोस्तों तभी जाके मुझे बुलाएंगे, तभी जाके मैं कोई सामान लेके जाऊंगा दोस्तों, लेकिन दुकान में कोई सेल ही नहीं है तो कहाँ से मुझे बुलाएगा। तो वही बात है दोस्तों, मार्केट का हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है दोस्तों, और जहाँ पर मैं गया था ट्रिप लेके, ये बस इतना दूर नहीं था दोस्तों, बस 4th माइल ही था, 3rd माइल क्रॉस करने के बाद में थोड़ा आगे, तो थोड़ा टाइम लगा मुझे आने में, क्योंकि ट्रैफिक जाम मिल गया था, क्योंकि ना जाने क्यों उस तरफ में एक्चुअली आने का टाइम ब्लॉक मिलता ही है दोस्तों, ट्रैफिक जाम मिलता ही है, लेकिन जाने का टाइम में पूरा रास्ता पूरा खाली था दोस्तों, लेकिन आने का टाइम थोड़ा टाइम लग गया। आने के बाद मैं डायरेक्ट जीएस रूम में गया, जीएस रूम में बैठा दोस्तों, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, तो इसी वजह से, और आपको तो मालूम है वहाँ बैठते बैठते मुझे कभी कभार अच्छा भी नहीं लगता, इसी वजह से दोस्तों डायरेक्ट चला आया ऑकलैंड में। अभी मैं बैठूंगा दोस्तों यहाँ पे, अगर कुछ मिलेगा तो यहाँ से ही जाऊँगा दोस्तों, नहीं मिलेगा तो यहाँ से डायरेक्ट घर, तो देखते हैं होता क्या है दोस्तों, मिलते हैं। 2 hours later। सो दोस्तों फाइनली मैं चला आया, टाइम से पहले ही थोड़ा आ गया दोस्तों, क्योंकि
कोई भी कॉल नहीं आया इसी वजह से दोस्तों, थोड़ा जल्दी आ गया आज, वही काल का जैसा। क्या करो दोस्तों, कोई ना कॉल आ रहा है ना कोई बुलावा आ रहा है, तो बैठ के कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। तो दुकान वगैरह सब बंद हो चुका था तो इसी वजह से, लेकिन मैं ऑकलैंड में बैठा हुआ था दोस्तों, ऑकलैंड से डायरेक्ट घर चला आया। सो आज का वीडियो मैं यहाँ पे ही ख़त्म करने जा रहा हूँ दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करके घंटी दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, घंटी दबाना ज़रूरी है। सो वैसे तो आप लोग सब्सक्राइब कर ही देते दोस्तों, तभी मैं एक बार बोल देता हूँ, बोलने से अच्छा लगता है मन में। सो आज के लिए ब्लॉग बस इतना है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।